हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करने जा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जीवनी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और ये दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया, जिसके परिणित 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई दोस्तों। और राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया था दोस्तों। और इन्हें देश के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता दोस्तों। और इनकी मृत्यु दोस्तों 26 फरवरी 1963 ईस्वी को हुई दोस्तों। तो ये था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों।